कार्यालय पर ले जाने की बात थी, क्या उनको ले जाने के लिए आप लोगों ने सरकार से नहीं कहा था कि ले जाया जाए? देखिए, उनको सम्मान मिला, सम्मान हुआ उनका, ये उचित होता आते वहाँ और अच्छा होता। हम लोग चाहते थे, हार्दिक इच्छा थी, पर इसको विवाद का विषय हम नहीं बनाना चाहते। जहाँ भी है, सारे कांग्रेस जन हम लोग आए, राज बब्बर जी की तरफ से, सबकी तरफ से रीत सिहा दे दी। आपने सरकार से कहा था क्या? सरकार से आपने कहा था कि वहाँ तक नहीं? ऐसा कोई बात भी नहीं थी, और ये मालूम भी नहीं था कि लखनऊ लाएंगे भी नहीं लाएंगे। हम लोग दिल्ली में लिए थे, फिर लखनऊ उत्तराखंड जा रहे हैं, वहाँ उत्तराखंड के लोग होंगे, कांग्रेस उनका परिवार था ही। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की जो पार्थिव शरीर है यहाँ विधानसभा में रखा गया था, यहाँ सभी दलों के नेताओं ने श्रद्धासुमन श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन एक सवाल उठता है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता रहते हुए, यहाँ कांग्रेस यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, फिर भी इसके बावजूद कांग्रेस कार्यालय उनको नहीं ले जाया गया। इस संबंध में जो हम प्रमोद तिवारी जी से बात की, उनसे पूछा कि क्या पार्टी ने कोई संपर्क सरकार से किया था कि उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर ले जाया जाए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई संपर्क नहीं किया गया था, लेकिन बेहतर होता अगर वह वहाँ जाते, कांग्रेस जन उनको लेकर के श्रद्धासुमन अर्पित करते। हालांकि उन्होंने कहा कि हम सभी लोग यहाँ आए हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। लखनऊ से दिलीप शुक्ला, ETV।